ओम शांति। 24 अक्टूबर 2023 की साकार मधुर मुरली है। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाकर संपूर्ण पावन बनने की श्रीमत देते हैं। साथ साथ बाबा हमें अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज पर सेट रहकर बाप समान बनने के लिए तथा ज्वाला रूप अभ्यास बढ़ाने के लिए भी शिक्षा दे रहे हैं। आज बाबा ने अनेक उत्सवों का वर्णन किया है और ये बताया है कि उत्सव जो है वो विशेष कुछ अच्छा हुआ है तो तब मनाया जाता है, जैसे दीपमाला है, श्री कृष्ण जयंती है, राखी है। अभी बाबा स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी का भी उत्सव को आज अटेंशन दिलवा रहे हैं। तो आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा उत्तर देते, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, चाहे निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, हमारी स्थिति सभी में समान रहे। तो उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है कि उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी है, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है, इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो ज़रूर करनी है, पुनर्जन्म में तो आना ही है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं, भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं, मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा ना। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनको उत्सव मनाया, कुछ कोई कुछ अच्छा करके जाते हैं तो बाबा कहते उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है ना, श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता ही नहीं है कि राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परमपिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं।
ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो ज़रूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज़ है नहीं, अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक रामराज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो रामराज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है, पहले दो कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर चार कला, फिर आठ कला, दस कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए, 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। ज़रूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है, फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सत्व प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है न? कितनी उथल पुथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते, उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं, क्योंकि 16 कला भ्रष्टाचार है ना, इसलिए उपद्रव भी 16 कला वाले हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं न समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है
तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं, माने 2500 वर्ष से ये उपद्रव शुरू हुए हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है, हमें भी बाबा ने बताया तब पता चला। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सत्युग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें निकली है, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य में ये सब चीज़ें बनेंगी, ये सब चीज़ें बन जाएगी, कितने थोड़े समय में कितनी बढ़िया और फाइन चीज़ें बनेगी ना। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के महल रत्न जड़ित से जड़े हुए बनते हैं, वहाँ दरबार बड़ी बनती है। राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाई ताज लगा कर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी, बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं, रानियाँ नहीं बैठती है, वह पर्देनशीन होती है, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी है। वहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिर ताज थे, श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी है, फलानी को भगाया, ये किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं ना। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं, ये भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था, बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था, वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है, रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर दशशेष नहीं दिखाते हैं, मंदोदरी को दशशेष नहीं दिखाते, रावण को दिखाते हैं, 5 स्वयं के और 5 मंदोदरी के, इसलिए टोटल खुद को रावण को 10 बताए हैं। तो रावण को 10 शेष दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, वैसे रावण को 10 शेष दिखाते हैं, 5 विकार उनके 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है, पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं, महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे, दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। क्यों
नारायण ने कोई गुनाह किया है क्या जो लक्ष्मी का ये आह्वान करते हैं? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे, तो नारायण ने क्या गुनाह किया है? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। ज्ञान धन अभी लेते हैं, तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज़ मांगते हैं, कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो, बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है, धनवान तो ये बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है, कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। ज्ञान धन तो सर्वोत्तम धन है ना, जो न चोरी हो सकता है न लूटा जा सकता है, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो और फिर लक्ष्मी बनती हो। बाबा कहते क्या से क्या बनते हो, फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी थोड़े ही देगी, वहाँ दान देते नहीं। हाँ, सतयुग में तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती, कोई मांगता भी नहीं है, भूख तो होती ही नहीं है, कंगाल कोई होते ही नहीं है, सतयुग में रावण तो होता ही नहीं है, यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियाँ होगी, घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी, तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रालब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश, स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है, अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें नहीं होती है। नारद की भी बात शास्त्रों में है, तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो, कोई विकार तो नहीं है, अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है, बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं, बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं, तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी, ये जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ, लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, तो विकारी बनना शुरू होते हैं, भक्ति भी पहले
अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। ज़रूर पहले स्थापना करेंगे, फिर विनाश करेंगे। ये हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते, बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति, निंदा, मान, अपमान, ये तो सब होगा। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है ना? कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं? वास्तव में गाली तो अभी इनको अर्थात कि ब्रह्मा बाबा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। ये भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना, यहाँ पर आ गए फिर सिंध से। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तुम जानते हो, अभी हम राज्य पाते हैं, फिर गवाते भी है, ये भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु अर्थात जगत अम्बा बनना है, दान देते रहना है। किसी को मनसा से सुख का दान चाहिए, किसी को ज्ञान का दान चाहिए, किसी को शुभ भावना, किसी को मीठे बोल का दान चाहिए, तो नव्स देख कर देते चलो। दूसरी पॉइंट है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। स्तुति हो या निंदा हो, निंदा हो तो डाउन हो जाए और पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा न करे। इसे खेल समझ पार करना है। आज का मीठा वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। तो आज का सोमान, मैं ज्वाला रूप आत्मा हूँ, मैं ज्वाला रूप आत्मा हूँ। विश्लेषण, अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएं। इसलिए अभी अपनी आंतरिक अलौकिक शक्तियों को बढ़ाने का अनुभव करें ज्वाला रूप द्वारा। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। आज का नया दिन
आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 5:45। अच्छा, ओम शांति।